1980-90 के दशक में हिंदी सिनेमा में जब कुछ कलाकार मोटी वाली बीड़ी पीते हुए दिखाए जाते थे, तब यह मोटी बीड़ी नुमा वस्तु अनायास ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लेती थी। विलासिता का प्रतीक रही यह मोटी वस्तु देखने में जितनी आकर्षक लगती है ना, उतनी ही मज़ेदार है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम सिंघल, सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। फूड एंड बेवरेज सर्विस नॉलेज सीरीज के अंतर्गत आज हम सिगार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सिगार के बारे में जैसा ये दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके बनने का तरीका है, इसके प्रकार हैं, तो आज हम पूरी वीडियो में उसी के बारे में जानकारी लेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह के कमेंट हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमें बताएं, जिससे कि हमें इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और हम एक से बेहतर एक वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो आगे चलते हैं। सिगार, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिगार होता क्या है। सिगार इज़ अ टाइटली रोल्ड बंडल ऑफ ड्राइड एंड फर्मेंटेड टोबैको लीव्स एंड यूज फॉर स्मोकिंग बाई सिगार लवर्स। कुछ तंबाकू की पत्तियों को इकट्ठा करके एक बंडल बनाया जाता है और उनको टाइटली तरीके से बांध दिया जाता है, और यह फर्मेंटेड और सूखी हुई पत्तियां ही सिगार का रूप लेती हैं। सिगार के कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं सिगार के। पहला होता है फिलर, दूसरा बाइंडर और तीसरा रैपर। इन सभी के बारे में हम सेपरेटली जानते हैं। फिलर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिगार, इट गिव्स अ बल्क टू द सिगार। टू वेज ऑफ फिलर्स आर यूज्ड एज लॉन्ग फिलर, जिसमें लंबी पत्तियां होती हैं, शॉर्ट फिलर्स, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, या स्क्रैप, जो टुकड़ों में बच जाता है उसको हम अंदर भर देते हैं। आफ्टर रिमूविंग वेन्स ऑफ द लीव्स, 3-4 लीव्स आर बाउंड टूगेदर टू गिव इट बल्क। 3-4 तंबाकू की पत्तियों को, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करके हम बल्क फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, और यही फिलर होता है। दूसरा जो पार्ट है उसको बाइंडर बोला जाता है। चूँकि नाम है बाइंडर, तो बाइंड करने के काम आता है उन पत्तियों को जो हमने फिलर में यूज़ की थी। इट इज़ द सेकेंड पार्ट यूज्ड टू बाइंड द बंच ऑफ फिलर लीव्स। इट इज़ यूज्ड टू शेप द सिगार। लॉन्गर लीव्स फ्रॉम बेस और लोअर मिडिल पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज कंसिडर्ड द बेस्ट बाइंडर लीव्स। एंड द थर्ड पार्ट इज रैपर। ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है जो सिगार पे दिखाई देता है। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द सिगार दैट रैप्स द बाइंडर। ये बाइंडर के ऊपर लपेटा जाता है, और यह भी पत्ती ही होता है, टोबैको की पत्ती ही होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड फाइनल अपियरेंस ऑफ द सिगार। बाइंडर के कलर को देखकर ही हम सिगार की क्वालिटी का पता लगाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि आखिर सिगार बनता कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको यह छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ।
यहाँ आपने देखा कि किस तरह से एक सिगार फैक्ट्री में सिगार को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहले फिलर लीव्स को इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर बाइंडर लपेटा जाता है और बाइंडर के ऊपर फिर फाइनल रैपर को रैप किया जाता है और उसके बाद लेबलिंग की जाती है, देन स्टोरेज में वो चला जाता है, पैकिंग करने के लिए चला जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिगार्स की। तो सिगार्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड कलर। इन तीन बेसिस पे हम सिगार को क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। द फर्स्ट वन इज साइज। साइज ऑफ द सिगार इज मेजर्ड इन टू वेज, लेंथ जो कि इंचेस में नापी जाती है एंड डायामीटर जो इसकी गोलाई होती है जिसको हम रिंग गॉज में नापते हैं। इट इज 1/64 रिंग वुड बी 1 inch इन डायामीटर। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं उसकी साइजेस होती है, जिस नंबर की वो साइज है जो डाया है वो उसमें कैलकुलेट की जाएगी। आप देख सकते हैं टोरो ग्रांड जैसी पहले सिगार है, इसमें 52/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 inches लंबी ये सिगार है, 52 रिंग गॉज इसका साइज है, यानी 1 inch से कम इसका साइज है। इसी तरह से अलग अलग सिगार की अलग अलग साइजेस दी हुई हैं। कुछ और सिगार्स हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग साइज़ की सिगार्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ पतली हैं, तो जिसका जैसा साइज़ होता है वो उसी नाम से जानी जाती है, उसी साइज़ से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं शेप यानी इसके आकार की। सिगार्स कैन बी क्लासीफाइड मेजरली इंटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू शेप। पहला होता है परेजो, यह इवन शेप सिगार होते हैं और रेगुलर शेप सिगार होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, किसी भी तरह का इनके अंदर डिज़ाइन नहीं होता। लेकिन दूसरे तरह के जो सिगार्स होते हैं शेप के अकॉर्डिंग वो होते हैं फिगुराडो। ये अनइवन और इररेगुलर शेप सिगार होते हैं। क्या क्या होते हैं दोनों के बारे में सेपरेटली जानने की कोशिश करते हैं। पहला परेजो, दिस टाइप ऑफ सिगार इज मोस्ट कॉमन शेप्ड एंड ईजी टू मेक। ज़्यादातर इस तरह की सिगार पाई जाती हैं। इट हैज सिलेंड्रिकल बॉडी, स्ट्रेट साइड्स, वन एंड ओपन एंड अ राउंड हेड ऑन द अदर हैंड विच इज टू बी स्लाइस्ड ऑफ। इट हैज थ्री टाइप्स एज परेजो, बॉक्स प्रेस जो स्क्वायर शेप होती है एंड कुलेब्रा। यहाँ तीन तरह की डिज़ाइन आप देख रहे हैं नीचे, पहली है परेजो, दूसरी है चौको टाइप की जिसको हम बॉक्स प्रेस बोलते हैं, इसमें सिगार को बॉक्स में पैक करके एक शेप में डाल दिया जाता है जिससे कि वो उस शेप में आ जाती है, स्क्वायर शेप में आ जाती है। और तीसरी है कुलेब्रा, तीन सिगार्स को मिक्स करके ट्विस्ट किया गया है और उनको उसी कंडीशन में मॉइसन किया गया है जिससे कि वो अपनी शेप ले लें। जब इनको कंज्यूम किया जाता है तो तीनों ही सिगार्स को सेपरेट कर लिया जाता है और इस तरह से सिगार की जो साइज़ निकलती है, जो डिज़ाइन निकलती है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी से निकलती है, वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग लुक देती है। दूसरे टाइप का जो सिगार है शेप के अकॉर्डिंग वो है फिगुराडो। इट हैज़ इररेगुलर शेप, हायर इन क्वालिटी एंड मोर एक्सपेंसिव एज दे आर डिफिकल्ट टू मेक। ऑब्वियसली उनको बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सम वेराइटीज अंडर दिस कैटेगरी आर टोरपेडो, पिरामिड, परफेक्टो, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में सेपरेटली जानते हैं। पहला है टोरपेडो सिगार, अ सिगार विद अ जेंटली टेपर्ड हेड दैट कम्स इनटू अ शार्प पॉइंट। एक बुलेट जैसा शेप इसको दिया हुआ है, इसको टोरपेडो बोलते हैं। दूसरा पिरामिड शेप सिगार, जैसे पिरामिड की आकृति होती है उसी तरह से इस सिगार की भी डिज़ाइन है, नीचे से मोटा है लेकिन ऊपर तक जाते जाते ये पॉइंट में बदल जाता है। अ सिगार दैट इज थिकन्ड एट द फुट जो ओपन होता है एंड ग्रेजुअली विद यूनिफॉर्मली टेपर टुवर्ड्स द हेड जो कि क्लोज होता है, बंद होता है। द थर्ड वन इज परफेक्टो सिगार, अ लार्ज सिगार दैट इज टेपर्ड ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ से टेपर्ड होती है लेकिन एक तरफ से कुछ शार्प होती है, एक तरफ से थोड़ी मोटी होती है। द नेक्स्ट वन इज सालोमोन सिगार, अ सालोमोन इज वेरी लार्ज परफेक्टो शेप सिगार विच इज टेपर्ड बट यूजली फ्लश कट फुट। अब हम जानते हैं सिगार के कलर्स के बारे में। तो पहला जो कलर है वो जो ग्रीनिश कलर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डबल क्लैरो। और ये जो कलर्स हैं यही सिगार की क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, वैरायटी को जस्टिफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज डबल क्लैरो, इट इज़ लाइट और स्लाइटली ग्रीन इन कलर, इट इज़ स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट एंड मेड बाय क्विक ड्राइड प्री मैच्योर लीव्स ऑफ टोबैको। द सेकंड वन इज क्लैरो और इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल, टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम सनलाइट द टोबैको लीव्स आर ग्रोन चीज क्लॉथ। वंस फुली मैच्योर्ड इट इज़ अलाउड टू ड्राई नेचुरली एंड स्लोली क्रिएटिंग अ लाइट ब्राउन कलर।
दीज लीव्स क्रिएट अ सिल्की टैन रैपर विद अ लाइट डेलिकेट एंड डिस्टिंक्टली स्मूथ टेस्ट. द थर्ड कलर कैटेगरी इज कोलोराडो क्लैरो. इट इज़ अ स्लाइटली डार्कर रैपर देन अ नेचुरल विद अ स्लाइट डार्क रेडिश ह्यू. इट हैज़ मोर फ्लेवर देन अ नेचुरल सिगार विद अ स्लाइटली स्पाइस्ड और नट लाइक टेस्ट. द टोबैको लीव्स आर ग्रोन अंडर सनलाइट मोस्टली. द फोर्थ वन इज कोलोराडो. द लीव्स हैव रेडिश ब्राउन कलर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट विद अ हिंट ऑफ स्पाइस. द लीव्स आर यूजली शेड ग्रोन. The next color is Colorado Maduro. It is very dark brown in color, oily leaf with a sweet pronounced taste known for its fullness and richness. The wrapper sometimes has small veins and bumps of the wrapper because of the tobacco leaves used. The second last color is Maduro. The leaves are very dark brown or black in color and has a smooth, rich taste. The leaves are fermented for longer time to impart rich flavor and taste. And the last one is Oscuro, जो black color का आपको दिखाई दे रहा है. It has an almost jet black wrapper with a very rich pronounced spicy flavor. The leaves go through an even more extensive processing than Maduro. These are the topmost leaves of the plant and very strong in taste. So, इन सभी कलर्स के बेस पे जो सिगार लवर्स हैं वो सिगार की क्वालिटी जज करते हैं और सिगार कंज्यूम करते हैं. इसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ सिगार की. सिगार को स्टोर करना भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इसके लिए कुछ ख़ास तरह के बॉक्स होते हैं जिनको ह्यूमिडर्स बोलते हैं, और इन ह्यूमिडर्स में ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए ह्यूमिडिफायर सॉल्यूशंस और एक मीटर लगाया जाता है जिससे कि उसका टेम्परेचर हम देख सकें, पता कर सकें. तो सिगार्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ह्यूमिडर्स मेड ऑफ सेडर वुड. द आइडियल टेम्परेचर शुड बी 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी शुड बी 65 टू 70%. द शेल्फ लाइफ ऑफ अ वेल स्टोर्ड सिगार कैन बी एस 8 टू 10 ईयर्स लॉन्ग. 8 से 10 साल तक अगर आपने सिगार को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा हुआ तो इसकी लाइफ हो सकती है. बिना एसेसरीज के सिगार को एंजॉय नहीं कर सकते. तो यहाँ कुछ एसेसरीज भी हमने देख रहे हैं जो सिगार लवर्स के पास में होती हैं, और सिगार लवर्स इनका कलेक्शन भी रखते हैं. पहला है आपका सिगार पाइप्स केस नोज़ल होल्डर. कुछ लोग सिगार को डायरेक्ट मुंह से लगाने की बजाय एक नोज़ल में लगा लेते हैं और फिर सिगार को कंज्यूम करते हैं, एंजॉय करते हैं. तो ये आपको ईजिली मिल जाती है. द सेकेंड वन इज सिगार केसेस. ये सिगार को ट्रैवल करने के, ट्रांसपोर्ट करने के काम में ली जाती है. आप एक से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो इसमें कुछ सिगार्स रख ले जाते हैं और इसमें से निकाल के आप उनको कंज्यूम करते हैं. ये सिगार का टेम्परेचर ये भी मेंटेन करके रखती हैं. नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर. ये सिगार का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडी है, उसको मेज़र करने के काम में लिया जाता है, और ये ज़्यादातर ह्यूमिडर्स के अंदर सेट करके रखा जाता है. सिगार लाइटर्स भी कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं जो सिगार को ही लाइट करने के लिए, जलाने के काम में ले जाते हैं. कुछ स्पेशल तरह के एस्ट्रेज होती हैं इसके लिए. ह्यूमिडिफायर सॉल्यूशन सिगार के बॉक्स, स्टोर बॉक्स में यानी ह्यूमिडर में डाला जाता है जिससे कि ये अंदर ही अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखता है. और सिगार कटर्स अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं. अलग अलग शेप के कटर्स होते हैं. राउंड शेप होता है, वी शेप होता है, जिससे आप सिगार को काट सकते हैं उसको कंज्यूम करने से पहले. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सर्विस ऑफ सिगार. सिगार को सर्व कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले प्रेजेंट द सिगार ब्रांड्स इन ह्यूमिडर्स और देयर ओन बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली टू द गेस्ट. आफ्टर सेलेक्टिंग द सिगार बाय द गेस्ट, रिमूव द मैन्युफैक्चरर्स लेबल इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट. देन प्रेजेंट द सिगार टू द गेस्ट इन ए क्वार्टर प्लेट अलॉन्ग विद द सिगार कटर, और ऑफर द गेस्ट टू कट द सिगार. Then light the cigar with butane lighter gently and evenly. चारों तरफ से आप उसको gently और evenly cigar को जला के guest को help करेंगे. Then ensure to present mint and ashtray at the table. ये होना चाहिए. कुछ famous cigars यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की है.
तो पहली है मैकेनुडो, ये डोमिशियन रिपब्लिक की प्रोडक्शन है। दिस ब्रांड हैज़ मैकेनुडो गोल्ड लेबल, मैकेनुडो विंटेज 2000, मैकेनुडो मदुरो, मैकेनुडो रोबस एंड मैकेनुडो कैफे एक्सेट्रा। इसी तरह से एक फेमस ब्रांड है कोहिबा, ये क्यूबा और डोमिशियन रिपब्लिक में प्रोड्यूस किया जाता है। कोहिबा इज अ सिगार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट ऑफर्स प्रोडक्ट्स इन सेवरल टेस्ट लाइक वुडी, स्पाइसी, फ्रूटी एंड अर्थी। साइज भी अलग अलग तरह से होती है, 9 इंच, 7 इंच, 8 इंच एंड स्ट्रेंथ लाइक लाइट, मीडियम एंड मीडियम फुल एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज अवे मेरिया डिवानिया, ये निसारागुआ में प्रोड्यूस की जाती है। द मीडियम टू फुल बॉडीड अवे मेरिया दिवानिया ऑफर्स फ्लेवर्स ऑफ ब्लैक पेपर, कोकोआ एंड वॉलनट। इट इज़ एक्सपर्टली रोल्ड इन निसारागुआ। नेक्स्ट वन इज मोंटे क्रिस्टो, ये स्पेन ऑरिजिन है लेकिन क्यूबा में प्रोड्यूस की जाती है। वॉलीवर, ये साउथ अमेरिका ऑरिजिन है लेकिन क्यूबा में प्रोड्यूस की जाती है। होयो दे मोंतेरे, यह है क्यूबा में प्रोड्यूस की जाती है। एच उपमान, ये जर्मनी ऑरिजिन है और क्यूबा में प्रोड्यूस की जाती है। ज़्यादातर जो सिगार्स हैं वो क्यूबा में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और क्यूबा की जो क्वालिटी होती है, क्यूबा में प्रोड्यूस सिगार की क्वालिटी अपने आप में बेटर होती है और लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मैंने कुछ यूज़फुल वेबसाइट और वेबसाइट्स की लिंक दी हुई हैं जिनसे आप सिगार चाहें तो परचेस कर सकते हैं या सिगार्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जैसे cigarindia.in, cigars.com, finestcubansigars.com एंड jrcigars.com। सिगार की इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें, जिससे कि हम आपको आने वाली वीडियोस बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यह हमें मोटिवेशन देता है और आगे से आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोड्यूस करने की हिम्मत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें फीडबैक जरूर दें। हमारी मेल आईडी है drhariomsingal@gmail.com। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स इसी तरह से यूं ही मिलती रहे और आप नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से देखते रहें, लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।